आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए शालीन भनोट को एज अ कंटेस्टेंट रिप्लेस करना खासा मुश्किल है। बिग बॉस 16 का फिनाले अब बस चंद दिन की दूरी पर है। जल्दी बिग बॉस विनर दुनिया के सामने होगा। एमसी स्टैन, शालिन भनोट, शिव ठाकरे, प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम टॉप 5 में अपनी जगह बना चुके हैं। इन सभी कंटेस्टेंट्स ने फिनाले तक पहुंचने तक बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। शालिन भनोट एकमात्र ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने शो जीतने के लिए साम, दाम, दंड भेद सब अपनाया है, लेकिन इसके बावजूद वे शो के विनर की रेस से बाहर नजर आ रहे हैं। बिग बॉस हाउस में शालिन भनोट की एंट्री काफी धांसू स्टाइल में हुई थी। शुरू में उनमें विनर क्वालिटी भी नजर आई, पर फिर उन्होंने शो में टीना दत्ता संग प्यार का एंगल शुरू किया। हालांकि थोड़े दिनों में ही समझ आ गया कि टीना और शालिन शो में टिके रहने के लिए फेक लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शालिन भनोट की उम्र 40 साल है, लेकिन उन्हें सलमान खान के सामने हमेशा बच्चों की तरह एक्ट करते देखा गया। सलमान खान ने जब भी उन्हें उनकी गलतियों के लिए आईना दिखाया तो वो बच्चा बनकर खुद को बेकसूर साबित करने लगे। सलमान खान ने कई बार शालिन को याद दिलाया कि शो जीतने के लिए फेक लव स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। हालांकि शालिन को तब तक ये बात समझ नहीं आई जब तक उन्हें खुद ठोकर नहीं पड़ी। कुछ हफ्ते पहले शो में एक ऐसा मोड़ आया जब टीना दत्ता और शालिन भनोट ने पूरी तरह से अलग रहने का फैसला किया। टीना से अपनी राहें अलग करने के बाद शालिन घर में अकेले पड़ गए। शो में कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिससे वो अपने मन की बातें शेयर करें। धीरे धीरे अकेलापन उन पर हावी हो गया और वो एनजाइटी का शिकार हो गए। आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए शालिन भनोट को एज अ कंटेस्टेंट रिप्लेस करना खासा मुश्किल होगा।